अफगानिस्तान सीरीज के बाद T20 वर्ल्ड कप के लिए आईने की तरह साफ हुई टीम इंडिया की स्क्वाड। दोस्तों, भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले में भी शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया। भारत के लिए यह सीरीज इसलिए भी काफी अहम थी क्योंकि T20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम की यह आखिरी T20 सीरीज थी। ऐसे में भारत ने इस सीरीज के जरिए अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आकलन किया है कि T20 वर्ल्ड कप में किन खिलाड़ियों को भारतीय टीम में शामिल किया जा सकता है। सीरीज खत्म होने के बाद अब T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का स्क्वाड आईने की तरह साफ हो गया है। इस सीरीज से साफ हो गया है कि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो लंबे समय से भारतीय टीम के साथ जुड़े थे, लेकिन अब T20 वर्ल्ड कप से उनका पत्ता कटना तय माना जा रहा है क्योंकि भारत को कई विस्फोटक बल्लेबाज और घातक गेंदबाज मिल चुके हैं। भारत को इस सीरीज के साथ ही नई ओपनिंग जोड़ी भी मिल गई है। T20 विश्व कप में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ही ओपनिंग करते दिखेंगे। यशस्वी जायसवाल के अलावा शिवम दुबे ने भी अपनी जगह T20 विश्व कप के लिए लगभग पक्की कर ली है। वहीं रवि बिश्नोई ने सुपर ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट लेकर भारत को शानदार जीत दिलाई थी। इसके अलावा विस्फोटक फिनिशर रिंकू सिंह लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अफगान के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले में भी रिंकू का तूफान देखने को मिला था। ऐसे में उनका भी विश्व कप खेलना पक्का हो गया है। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का संभावित स्क्वाड कुछ इस तरह से बनता नजर आ रहा है। बैटिंग ऑर्डर में कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, विराट कोहली, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव और ऑलराउंडर में शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और गेंदबाजी में रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार और अर्शदीप सिंह। दोस्तों, आप अपनी स्क्वाड में किन खिलाड़ी को शामिल करोगे, नीचे कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।